तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। तो ये फर्स्ट टॉपिक चालू करने के पहले थोड़े हम लोग बेसिक्स करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखना एलिमेंट्स लिखना। इसमें लिखना सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन नेचर एंड कंटेन ओनली वन सेम टाइप ऑफ एटम्स। हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में यू कैन राइट Na दैट स्टैंड्स फॉर सोडियम, फिर इसके बाद K दैट स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, और आप बहुत सारे एग्जाम्पल Cl एक इसके लिए स्टैंड करता है क्लोरीन। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड्स। इसमें लिखना सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट and contain same type of, इधर आएगा molecules आएगा। अब इसके example में what you can write is NaCl। अभी NaCl में कौन कौन रहेगा, NaCl के इसमें रहेगा सोडियम एंड Cl के इसमें रहेगा क्लोरीन। कॉम्बिनेशन रहेगा दो एटम्स का। फिर इसके बाद इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, NaCl मॉलिक्यूल। इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो रहेगा ये रहने वाला है NaCl मॉलिक्यूल। वैसे CO2 में कौन कौन रहेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन रहेगा एंड रहेगा ऑक्सीजन। और इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी CO2 मॉलिक्यूल। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। यहां तक पहले लिख लेना। चलो अब इसके बाद हम लोग इससे भी थोड़ा और बेसिक्स हम लोग जस्ट इसको यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लिखना, हेडिंग डालो एटॉमिक वेट्स लिखना। एटॉमिक, एक मिनट, हाँ श्योर, कंपाउंड्स के इधर एग्जांपल का देख लेना। एटॉमिक वेट्स लिखना, स्क्रीनशॉट ले लेना जिनका लिखते नहीं हुआ।
चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना एटॉमिक वेट्स, लिखना एटॉमिक वेट्स। तो ये वेट्स है ना आपको मेमोराइज करके रखना है, स्पेशली केमिस्ट्री के वक्त बहुत काम आएगा। सो द फर्स्ट स्टैंड्स फॉर एच दैट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट रहने वाला है 1। नेक्स्ट आता है एच ई दैट स्टैंड फॉर हीलियम, हीलियम का जो वेट है दैट इज गोइंग टू बी 4, ये आपको याद रखना है। हीलियम के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कार्बन, कार्बन का जो वेट है दैट इज गोइंग टू बी 12। इसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो वेट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 16। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो वेट रहेगा दैट विल बी 14। उसके बाद आता है सल्फर, सल्फर का जो वेट रहेगा दैट विल बी 32। फिर आता है एमजी दैट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वेट इज गोइंग टू बी 24। नेक्स्ट है सीए दैट इज कैल्शियम, कैल्शियम का वेट इज गोइंग टू बी 40। कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के बाद नेक्स्ट इज क्लोरीन, क्लोरीन का वेट रहेगा 35.5, आप 35 इसको ले सकते हो। फिर आता है Na दैट इज सोडियम, सोडियम का वजन इज 23। फिर आता है Fe दैट इज आयन, आयन का जो वेट रहता है दैट इज 56। नेक्स्ट है Cu दैट इज कॉपर, कॉपर का वेट इज 63। ठीक है, ये टेबल बना के रखना और जैसे से वेट्स आएंगे हम लोग इसमें क्या करेंगे उनको ऐड करते जाएंगे, जो भी आते रहेगा इसमें ऐड करते रहेंगे। अभी मेरे को इतना याद है तुम्हें, इतने के साथ पोटेशियम, पोटेशियम का क्या पता, अगर आएगा तो हम लोग देखेंगे, वो याद नहीं है इसलिए। फास्फोरस का, फास्फोरस का 31, जो भी याद है जो भी हम लोग को यूज आएगा हम लोग लिखते रहेंगे। चल अब नेक्स्ट हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर वेट्स डालना, मॉलिक्यूलर वेट्स। सर एक मिनट, आयन के बाद क्या था वो देखा नहीं, कॉपर था। सेबिन हमेशा स्क्रीनशॉट लेके रखो, पहले ही बोल रहा हूँ, हमेशा मेरा जैसे लिख के होएगा स्क्रीनशॉट ले लो फिर लिखने चालू करो। हाँ सर। चलो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट्स, अब हमें मॉलिक्यूलर वेट्स कैलकुलेट करना है। So we'll just take some simple examples. जैसे CO2, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है। कार्बन का वेट कितना रहने वाला है, 12। O2 मतलब ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है मतलब 16 into 2 कितना आएगा टोटल 32। So this is going to be how much? This is going to be 40. Chalo. Second jo hai, let's take for H2SO4. Ye try karna. Haan, batao, isme hydrogen kitna hai? 2 हाइड्रोजन, 2 into 1, तो इधर कितना होएगा 2 into 1 होएगा। नीचे सल्फर कितना इसमें, 1 into 32 सल्फर दैट इज 1 into 32। ऑक्सीजन कितना इसमें, 4 ऑक्सीजन है, तो इधर आएगा 4 into 16 दैट इज गोइंग टू बी 64। इन सबको ऐड करना है, 64 प्लस 2 इज 64 प्लस 2 होएगा 66, 66 प्लस 2 होएगा 98।
ऑलरेडी अर्लियर लेक्चर्स में कवर किया है, इस रिवीजन के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसके लिए करो कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद फोर्थ आप ट्राई करो NaCl। फिफ्थ आप ट्राई करना C6H12O11। तो कैल्शियम कितना कैल्शियम है यहाँ पे? 1 कैल्शियम है, तो इसका वेट रहेगा 1 × 40। सल्फर कितना है इसमें? 1। तो दिस इज गोइंग टू बी 32। ऑक्सीजन कितना है इसमें? 4। 4 ऑक्सीजन, तो कितना रहेगा वेट? 64। दिस इज गोइंग टू बी कितना? चेक करो कितना हो रहा है। नेक्स्ट NaCl के लिए ट्राई करना। कितना सोडियम है इसमें? 1 सोडियम। क्लोरीन कितना रहने वाला है इसमें? 1 क्लोरीन, सो दिस इज गोइंग टू बी 23 + 35.5, सो दिस इज गोइंग टू बी, आप 58.5 भी ले सकते हो या फिर 58 ले सकते हो। चल नेक्स्ट C6H12O11। तो यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन आर देयर, सब लोग बताओ कितना रहेगा? 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितना रहेगा? 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना रहेगा इसमें? 11 ऑक्सीजन। सो ये होएगा, दिस विल बी 6 × 12, 12 × 1, 11 × 16। चेक करो कितना आ रहा है। 72 + 12 + 176। ये सब हमने कैलकुलेट किया क्या? मॉलिक्यूलर वेट। अब हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट करेंगे और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हेडिंग डालना सबसे पहले मोल कंसेप्ट लिखना। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, मैं जस्ट इसका एक आइडिया आपको देता हूँ कि मोल कंसेप्ट रहता क्या है। इसे बेसिक क्या है कि 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, इधर ध्यान देना, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट में कितना एटम्स रहेगा? यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स रहेगा 6.022 × 10⁰³ एटम्स रहने वाले हैं इसके अंदर। दिस इज द फर्स्ट। और अगर आप बोलोगे 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, अगर 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड बोलोगे तो इसमें रहेगा 6.022 × 10⁰³ मॉलिक्यूल्स रहेगा। अभी ये कंसेप्ट यूज करने के पहले आई जस्ट गिव यू द फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। जब भी आपको कैलकुलेट करने रहता है तो आप क्या करोगे? इट विल बी वेट ऑफ सब्सटेंस
लेकिन किसमें? इन ग्राम्स। यहाँ पे वेट के बदले आप लिख सकते हो मास ऑफ सब्सटेंस, लिखना मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन रहेगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास, जो भी है। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। अभी मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास का जो यूनिट रहता है ना, इट इज ऑलवेज ग्राम पर एमओएल, ये इसका यूनिट है, जरा लिख के रखना ग्राम पर एमओएल। तो अभी है ना, इसमें ना हम लोग एक और एक छोटा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे कन्वर्जन्स को लर्न करेंगे, जो भी कन्वर्जन जो इम्पोर्टेंट है ना वो हम लोग लर्न करेंगे। ऑलरेडी आपको मैंने सिखाया है जो जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जस्ट एक और बार एक रिविजन करेंगे जंप करने के पहले, ठीक है? चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। जस्ट इधर हेडिंग डाल के रखना। हेलो, हाँ बोलो ना सर। मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ इसलिए कैमरा बंद रखा है। ओके ठीक, चलो कोई बात नहीं। कन्वर्जन्स लिखना। अब कन्वर्जन्स में आपको मैंने स्टार्टिंग में जब हम लोग फ्यू करेंगे जस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो हमेशा अगर आप मास लोगे तो हमेशा सेंटर में कौन आएगा, सबसे बीच में आएगा ग्राम, ठीक है? जैसे जैसे आप ऊपर के तरफ जाओगे, ऊपर के तरफ सबसे पहले आएगा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेसी सॉरी डेकाग्राम, ठीक है? इसको हम लोग डेकाग्राम बोलते, डेकाग्राम। ये क्या रहता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 10^1। डेकाग्राम के ऊपर रहता है किलोग्राम, तो यहां पे रहेगा किलोग्राम, क्या रहेगा 10^3। ये यूनिट कन्वर्जन का याद रखना, ठीक है? अभी जस्ट मास के लिए लिख रहे तो फिर इसके बाद आता है मेगाग्राम, मेगा को कैपिटल से लिखते हैं, मेगाग्राम रहता है 10^6। फिर इसके बाद आएगा गीगाग्राम, गीगाग्राम रहेगा 10^। अभी इससे ज्यादा और कुछ पूछते नहीं, ज्यादा करके यूजुअली आपको एग्जाम में ज्यादा करके किलोग्राम या डेकाग्राम तक आएगा, तो यही दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टिल ऊपर का दो तीन याद रखना काम आएगा कभी ना कभी। अब ये जो लोअर क्वांटिटीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है डीजी, स्मॉल लिख रहा हुआ, इसको आप लिखोगे डेसीग्राम, ये होता है 10^-1। डेसीग्राम के नीचे आता है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिलीग्राम, ये बहुत आएगा आगे मिली करके, ये यूनिट That is 10^-3 रहेगा। मिलीग्राम के और नीचे आता है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज माइक्रोग्राम, ये भी बहुत बार आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 10^-6। माइक्रोग्राम के और नीचे है नैनोग्राम, दिस इज गोइंग टू बी 10^-9। नैनोग्राम से भी और नीचे है पिकोग्राम, दिस इज गोइंग टू बी 10^-12। और इसके भी नीचे है फर्मीग्राम, फर्मी हार्डली यूज करते हैं ज्यादा करके, लेकिन स्टिल नॉलेज के लिए। सर सेंटीग्राम नहीं होता? नहीं, सेंटीग्राम बहुत ही हार्डली यूज होता है, सेंटीमीटर यूज होता है, सेंटीमीटर भी लिख कर, सेंटीग्राम ऐसा कुछ यूनिट ज्यादा कोई यूज नहीं करते, चलो लिख के रखो सेंटीमीटर तो काम आएगा। तो इधर मैं कन्वर्जन बताता हूं, ये जस्ट इसके बीच में लिख लेना, सेंटीग्राम विल बी व्हाट,
दिस विल बी 10 रेज टू माइनस 2, ये इंपॉर्टेंट, ये मैं भूल गया था, 10 रेज टू माइनस 2। फिर एक और एक यूनिट है जो आपके केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर में बहुत आएगा, सेकंड और फिजिक्स में भी आएगा, दैट इज 1 एमस्ट्रॉन्ग। अब ये यूजुअली किस में यूज किया जाता है, एटॉमिक रेडियस को मेजर करने यूज किया जाता है, तो ये रहता है 10 रेज टू माइनस 10, 10 रेज टू माइनस 10। इनके साइड में क्या आएगा, इनके साइड में जो भी रहेगा सब क्या रहेगा, ग्राम रहेगा, जो भी रहेगा सब ग्राम रहेगा। के साइड में जो भी यूनिट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ग्राम। सर वो यूनिट को क्या बोलते हैं, कौन सा यूनिट, वो 1A, हां इसको एमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ये तो थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कन्वर्जन को सीख लेते हैं डायरेक्ट जंप करने के पहले। चलो मैं इधर एक दो एग्जांपल देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं। जस्ट ध्यान देना, सबसे पहले अगर आपको कन्वर्ट करना है क्या, वन यूजुअली आप क्या करें, अगर सपोज आ गया ऐसे, तो अगर सपोज 1 मिलीग्राम से आपको क्या करना है 1 किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो अभी सबसे पहले आप क्या करोगे, सोचो 1 मिलीग्राम से आपको किस में जाना है, ग्राम में जाना है, तो 1 मिलीग्राम इज वॉट 10 रेज टू माइनस 3 ग्राम। ठीक है, सबसे पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, जो भी रहेगा इसको ग्राम में कन्वर्ट करना। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या जाओगे, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो इधर आपने लिखा 10 रेज टू माइनस 3। किलोग्राम के लिए जब भी आप सेकेंड टाइम कन्वर्ट करोगे तो यूनिट को क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे, चेक करो किलोग्राम के लिए क्या है, इट इज 10 रेज टू 3। तो बेसिकली क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होएगा, ये 10 रेज टू 3 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 10 रेज टू माइनस 6, और यूनिट क्या रहेगा, दैट इज 1 मिलीग्राम कितना केजी है, जस्ट एक सेकंड, ये 1 केजी हटा दो यहां से, 1 मिलीग्राम कितना केजी है, 1 मिलीग्राम इज 10 रेज टू। एक और एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क। चलो 1 माइक्रोग्राम से यू हैव टू गो टू, लेट्स से 1 माइक्रोग्राम से यू हैव टू गो टू 1 डेसीग्राम। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए, 1 माइक्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम, ग्राम, ग्राम। So this is going to be how much? 10 raised to minus 6 gram. फिर ये ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे, डेसीग्राम में, तो ये 10 raised to minus 6 को रहने दो, वैसे कुछ चेंज मत करो, डेसीग्राम क्या रहेगा, इट विल बी 10 raised to minus 1 रहेगा। देखो डेसीग्राम क्या है, ठीक है, अब ये 10 raised to minus 1 अगर ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी 10 raised to plus 1, माइनस 6 प्लस 1 रहने वाला है 10 रेज टू माइनस 5। आप किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क डाउट। किसी को नहीं है, गो टू मोर, 3-4 एग्जांपल्स करेंगे। अब ये सेम है ना, सेंटीमीटर ग्राम, ये सेंटीमीटर सेकंड किसके लिए भी यूज कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मोल्स के लिए भी यही सेम कंसेप्ट यूज किया जाता है, नैनो मोल, मिली मोल, कुछ भी रहेगा यू कैन यूज द सेम कंसेप्ट। मैं जस्ट आपको मेन इधर क्या सिखाना चाहता हूँ, गीगा, मेगा, किलो, डेका, ये सब क्या रहता है वो समझाना चाहता हूँ आपको। आप उसको डेका सेकेंड, इसको डेका लेंथ के हिसाब से करो, मोल के हिसाब से करो, जो करना आप कर सकते हो, मेन इसका कन्वर्जन याद रखना और कुछ। सर एमस्ट्रॉन्ग भी सब में आता है कि सिर्फ मीटर में, सिर्फ मीटर में, सिर्फ मीटर में, इसके लिए मीटर एक्सप्रेस के। चलो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या रहेगा, चलो कन्वर्जन ही करते,
1 किलोमीटर से आपको जाना है पिकोमीटर, कितना पिकोमीटर रहेगा। सेम कन्वर्जन लगा, वैसे ही 1 नैनोसेकेंड कितना गीगा सेकेंड रहेगा। ओके तो ध्यान दो, सबसे पहले आप लोग बताओ 1 किलोमीटर को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करोगे? ग्राम, मीटर, मतलब मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो ये रहेगा 10^3 मीटर। अब इसको 10^3 आपने लिखा, अब पिकोमीटर में कन्वर्ट करने नीचे कितने से डिवाइड करोगे? 10^-12 सपोज ऊपर चला गया तो दिस इज गोइंग टू बी 10^2 कितना आएगा? 15 पिकोमीटर। चलो अब नेक्स्ट वाला। सर ये फिजिक्स के बुक में लिखना है केमिस्ट्री के बुक में? हाँ केमिस्ट्री के बुक में। सर 1 नैनोसेकेंड कितना सेकेंड रहेगा? 1 नैनोसेकेंड 10^-9 रहेगा। अभी 10^-9 को ऊपर लिखो, 1 अभी गीगा सेकेंड कितना रहेगा? 10^9 अब इसको कैंसिल मत करना, ऐसा कैंसिल नहीं होएगा। अगर ऊपर लेके जाओगे तो -9 -9 ये होने वाला है 10^-18 गीगा सेकेंड। जस्ट ये मेन थोड़ा कन्वर्जन सिखाने का था और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट एक और एक कंसेप्ट है जो आपको है ना कन्वर्जन इधर से उधर करने में ना हेल्प करेगा। ये एग्जांपल आपको देता हूँ, नेक्स्ट इसमें आते तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत है ना ऐसा पहले बेसिक थोड़ा सीखेंगे, फिर हम लोग एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करते वो भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको है ना कुछ रिएक्शन देता हो, फिर आपको है ना एक आइडिया दे, मतलब आइडिया भी आपको मिलेगा कि करना क्या करना। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऑफकोर्स क्या देगा यहाँ पे, इट इज गोइंग टू गिव यू CO। आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम, सबसे बेसिक रिएक्शन दिया। ओके अब आप ये रिएक्शन को कैसे कैसे रीड कर सकते हो? तो सबसे पहला तरीका इसको रीड करने का आप कैसे कर सकते हो, 1 एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। सबसे पहला तरीका ये है उसको रीड करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे रीड कर सकते हो, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा इधर एक ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान देना, नंबर ऑफ थ एन का फॉर्मूला क्या रहता है, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम रहता है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कितना है, नंबर ऑफ मोल्स यहां पे दिया है 1 है। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा, 12। तो कार्बन का वेट इन ग्राम्स कितना रहेगा, कार्बन का वेट इन ग्राम्स रहेगा 12 ग्राम्स। वैसे आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, n इक्वल टू w अपॉन m, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है,
वन, ये रहेगा W. मॉलिकुलर वेट कितना रहेगा, मॉलिकुलर वेट 16. चेक करो O2 है तो 32. कितना ऑक्सीजन 32 आएगा. तो इसका वेट इन ग्राम कितना रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 32 ग्राम. वैसे N इक्वल टू क्या रहेगा, W अपॉन M. ये 1 रहेगा, ये W रहेगा. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट कितना है, 44. W कितना रहेगा, 44 ग्राम. 44 ग्राम. ओके, तो ये रिएक्शन को है ना आप और एक एक तरीके से, मैं जस्ट इधर लिख लेता हूं, इधर ऊपर 44 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ओ सॉरी इधर 12 ग्राम आएगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2. ये पार्ट में किसी को अगर डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क, जस्ट एकदम बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूं. एक और एक कन्वर्जन है आपको बाद में. आई होप ये 12, 32 और 44 आपको कैसे आया, थोड़ा तो हिंट मिला रहेगा. फिर आगे और 3-4 एग्जाम्पल करोगे तो और आइडिया मिल जाएगा. इसका एक लास्ट कन्वर्जन है जो इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखो ठीक है. ये लिखना, 1 mole ऑफ सब्सटेंस, ये क्या रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू 22.7 लीटर रहता है. कोई कोई बुक्स में ना ये वैल्यू को कितना दिया है, 22.4 दिया है, लेकिन आप लोग इसको 22.7 लेके सॉल्व करना ठीक है, 22.7. तो अभी इसको कैसे लिखोगे, 22.7 लीटर ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 22.7 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 22.7 लीटर ऑफ CO2. ध्यान देना ये सब कौन से स्टेट में है, गैशियस स्टेट में, गैशियस स्टेट. सर गैशियस है तो लीटर में, लीटर मतलब अभी सपोज आप एक वॉल्यूम कंसीडर करते हो ना, एक कंटेनर, तो कंटेनर का क्या लोगे, गैस पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, तो इसीलिए आप वॉल्यूम को लीटर में लोगे. कंटेनर में आप गैस रखोगे ना तो गैस पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, इसीलिए. तो वॉल्यूम आप किस में मेजर करते हो, लीटर में मेजर करते हो ना. तो ये 1 mole ऑफ गैस 22.7 लीटर का कंटेनर ऑक्यूपाई करेगा पूरा, इसका बोलने का मतलब वो. ठीक है, विल डू मोर एग्जाम्पल्स. अभी आप लोग खुद से ट्राई करना. चलो यहां पे हेडिंग डालो, सेकेंड रिएक्शन लिखना N2. पहले इसको बैलेंस करना. तो इधर n कितना है, 2 है, तो ये राइट साइड को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से. हाइड्रोजन कितना हुआ यहाँ पे, 6 हो गया, तो ये हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से. अब इसके नीचे अकॉर्डिंगली वो एक एक करके लिखते जाना. तो से पहले आप क्या लिखोगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ
N2 reacts with 3 molecules of H2 to give 2 molecules of NH3. I hope the first part clear hai aapko. Second part mein aap likhoge 1 mole of N2 reacts with kitna mole aayega yahan pe? 3. Very good. 3 mole of H2 aur kitna mole dega yahan pe? Sab log aawaz aana chahiye. Kitna mole dega? 2. 2. 2 mole of NH3. चलो अब हम लोग इसका वेट कैलकुलेट करेंगे. वेट के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा N इक्वल टू W बाय M. N के बदले क्या लिखोगे? 1. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N कितना रहेगा? N2 दो नाइट्रोजन है तो कितना आएगा? एक नाइट्रोजन का 14, तो दो नाइट्रोजन का 14 × 2 = 38. वाओ 38 सॉरी. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 28 ग्राम ऑफ N2. चलो वैसे ही यहाँ पे N का बदले आप क्या लिखोगे? N के बदले यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखोगे. 3 मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा? 2 रहेगा क्योंकि दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक रहता है. तो W कितना रहेगा? इट विल बी 6. तो ये यहाँ पे आएगा 6 ग्राम ऑफ H2. चलो NH3 कितना रहेगा वेट, जरा सोचना. 17. वेरी गुड. और इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 के साथ. तो W यहाँ पे आने वाला है 34. ये रहेगा 34 ग्राम ऑफ NH3. अब नेक्स्ट इसका वॉल्यूम के साथ लिखना. तो वॉल्यूम के साथ यहां पे कितना आएगा? कितना लीटर आएगा? 22.7 लीटर ऑफ N2 गैस. ये कितने के साथ रिएक्ट करेगा? इधर 22.7 × 3 के साथ. तो दिस विल बी 68.1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन. एंड यहां पे इट विल फॉर्म हाउ मच? Liter of NH3. तो ये एकदम बेसिक कन्वर्जन आपको सीखा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए.